हाय फ्रेंड्स, टेक एमएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल टेक एमएस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ रेडमी नोट 4 का बैकग्राउंड में अपनी फोटो कैसे लगा सकते हो स्क्रीन के। तो आज आपका पूरा वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप रेडमी नोट 4 का मोबाइल यूज करते हो तो, या फिर कोई सा भी एंड्रॉइड मोबाइल आप यूज करते हो या फिर MI का मोबाइल यूज कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए, तो पूरा ऐसे देखना। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एंड्रॉइड मोबाइल का जो बैकग्राउंड में फोटो है, जैसे कि अभी आपको बैकग्राउंड दिख रहा हो, इसमें यहाँ सिर्फ कलर दिख रहा है आपको। अगर हम यहाँ पर अपना बैकग्राउंड फोटो कैसे लगा सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे पर सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड में, कम से कम 5 सेकेंड में अपना हर वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं, अपना हर फोटो आप लगा सकते हो और आपका जितने फोटो लगाओगे आप, वो 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड में आपका बैकग्राउंड चेंज ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको ये सब कुछ करना है। आपको गूगल प्ले स्टोर सबसे पहले डाउनलोड करना है, अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपको यहाँ से सर्च करना है फ़ोन बैकग्राउंड चेंजर। जी हाँ दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर का नाम तो आपने सर ने सुना ही है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर खोलना है, तो फ़ोन बैकग्राउंड चेंजर आपको लिखना है। जैसे आप ये सर्च करते हो आपके सामने देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि किसको क्या यूज करें, किसको कैसे यूज कर सके। और बहुत सी बार होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर सकते, इंस्टॉल कर लेते हैं, फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं, बट उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको यहाँ से जो बैकग्राउंड चेंजेस आप जब सर्च करोगे तो आपके सामने ये इतना सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें से आपको तीसरा वाला ऑप्शन है वो दिख रहा होगा ऑटोमेटिक बैकग्राउंड चेंजर। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। दोस्तों देखिए, मैं आपको सब सिंपली एकदम एग्जांपल के तौर पर एक से A to Z आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। तो आपको सिंपली सेटअप को फॉलो करना है और आपका जो बैकग्राउंड है मोबाइल का, स्मार्टफोन का बैकग्राउंड, देखिए अभी जो बैकग्राउंड है वो एकदम ब्लू है और ये चेंज भी नहीं हुआ इतनी देर होगी वीडियो को स्टार्ट किए हुए, लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब मैं जो आपको सेटिंग बताऊंगा उससे आप ऐसा बैकग्राउंड हर 5 सेकंड में आपका बैकग्राउंड के अंदर फोटो चेंज होते रहेंगे। तो चलिए हम इसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करके ये टर्म्स एंड कंडीशन हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को। जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो हम इसे ओपन करके आपको पूरी कुछ सब कुछ समझाएंगे एक सेटअप बाय सेटअप। देखिए अब यहाँ से जैसे ही इसे ओपन किया है, अब आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन ही करना है। देखिए गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ही ये डाउनलोड हुई तो हमने यहाँ से ओपन वाला क्लिक किया है, ओपन हो गई। अगर आप चाहते हो तो अपने मोबाइल के जहाँ आइकन आता है वहाँ से आपको जहाँ पर इंस्टॉल वाला आइकन आएगा तो वहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हो। जैसे हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ के सबसे पहले आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंजेस। सबसे पहले आपको इसे इनेबल करना है, ये पहले डिसेबल रहता है इसलिए आपको यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के साथ ही ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में अप्लाई हो चुका है। ठीक है, फिर बाद में आपको कौन से फ़ोटो लगाने हैं, आपको जैसे फ़ोटो लगाने हैं आपको वो फ़ोटो चूज़ करने हैं, या फिर आपको यूज़ माई इमेज कलेक्शन पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। जो आपके जितने भी फोटो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और आप हर 5 सेकेंड में आपका मोबाइल का जो बैकग्राउंड फोटो है वो चेंज होता रहेगा। तो आपको यहाँ से अभी आपको फोटो चेंज करके बताऊँगा बताता। ठीक है, फोटो यहाँ से आपको चूज़ योर फोटो, तो यहाँ से आपको फोटो चूज़ करने हैं। देखिए जो जो आप फोटो आपके मोबाइल में है वो सब आपको चूज़ कर लेने, चाहे कोई सा भी आप यूज़ करना चाहते हो आप, तो कोई सा भी फोटो यूज़ कर सकते हो यहाँ से। दोस्तों हम यहाँ से देखिए कोई सा भी फ़ोटो चूज़ कर लेंगे। देखिए तो मैं यहाँ से कोई सा भी फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए फिर ये एक और ये वाला, देखिए ये वाला। ठीक है दोस्तों, आप फोटो को ध्यान से देखना कि फ़ोटो कौन कौन से है। ठीक है, क्योंकि मैंने अगर कलर एक ही चूज़ किया तो आपको लगेगा कि शायद अलग है। ठीक है, तो हमें आपको 3-4 फोटो चेंज होंगे जितना वेट करके बताता हूँ फोटो के अंदर। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ये मत भूलना। ठीक है, तो फिर यहाँ हम नीचे लिखा हुआ है डन डन करना आपको। ठीक है, जैसे ही डन करेगा देखिए अभी फोटो 7 फोटो मैंने सेलेक्ट किए, तो अब वापस हम चलते हैं कि बैकग्राउंड चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से हमें बैक निकलना है। ठीक है, देखिए फोटो चेंज हो चुका है और अब हमें यहाँ को 5 मिनट हमको गिनने 5 सेकेंड सॉरी 5 सेकेंड हमने वहाँ सेट किया है, तो 5 सेकेंड हमको गिनना है। 5 सेकेंड में आपका बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है वो चेंज होता रहेगा। देखिए कुछ सेकेंड हो गए हैं, देखिए अब आपस में एक गिनता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, 5 सेकेंड मैंने गिन लिया है तो ये चेंज हो चुका है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हर 5 सेकेंड के अंदर बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए 5 सेकेंड गिन रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, और ये चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एप्स आपको बहुत ही मदद करेगी अगर आप अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, रेडमी नोट 4 हो चाहे कोई सा भी स्मार्टफोन हो। इस पे लिए आप रेडमी नोट 4 वालों के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और मेरे चैनल टेक एम को सब्सक्राइब जरूर करना।